हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैक स्नाइडर की जो रिबेल मून फ्रेंचाइज होने वाली है, जिसके दो पार्ट्स बैक टू बैक फिल्म किए गए थे और इसका एक पार्ट दिसंबर यानी कि क्रिसमस वीकेंड में रिलीज होने वाला है, तो ट्रेलर रिवील किया गया है इसका। लेकिन ट्रेलर में दोनों पार्ट के सीन्स को मिक्स किया गया है, यानी एक कंबाइंड ट्रेलर है रिबेल मून फर्स्ट और रिबेल मून सेकेंड का। फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा क्रिसमस में और सेकेंड पार्ट रिलीज होगा अप्रैल में। अच्छा, आप जानते ही होंगे 2008-2009 के टाइम जो ल्यूकस फिल्म है जो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज को ओन करता है, तो जैक स्नाइडर ने उनको एक स्क्रिप्ट पिच की थी और रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि ल्यूकस फिल्म ने स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, या कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि एक्चुअली वो इंटरेस्टेड थे जैक स्नाइडर की मूवी में, लेकिन डिज्नी ने फिर ल्यूकस फिल्म को खरीद लिया था और फिर ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला था ये कैंसिल हो गया था। फिर हम जानते हैं जैक स्नाइडर वार्नर ब्रदर्स के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने कुछ डीसी की मूवीज़ पे भी वर्क किया था। तो अब क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ जुड़े हुए हैं जैक स्नाइडर, तो उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट थी ये स्पेस एडवेंचर मूवी, उसको एक तरीके से फिल्म किया है और रिबेल मून मूवी हमें इस साल इसका फर्स्ट पार्ट देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट ईयर हमें इसका सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और पर्सनली मेरे लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट रहा है इस ट्रेलर का वो था इसका बीजीएम। वैसे भी जैक स्नाइडर के ट्रेलर्स जो होते हैं वो हमेशा मास्टरपीस होते हैं, यानी ट्रेलर उनसे अच्छा तो कोई नहीं बना सकता, कोई भी डायरेक्टर। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो यूज़ करते हैं वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा गाइस, एक जो चीज़ है स्पेशली जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि आपको याद होगा जो आर्मी ऑफ डेड मूवी थी जैक स्नाइडर की, उसमें जैक स्नाइडर खुद ही सिनेमेटोग्राफर भी थे, यानी मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जैक स्नाइडर ने खुद सिनेमेटोग्राफी नहीं की थी, उसमें सिनेमेटोग्राफर कोई और था, लेकिन आर्मी ऑफ डेड में जैक स्नाइडर खुद सिनेमेटोग्राफर बन गए थे। और वो फिल्म मुझे पर्सनली पसंद आई थी, एक जॉम्बी मूवी से जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना उस मूवी ने डिलीवर किया था। लेकिन कुछ लोगों ने आर्मी ऑफ डेड मूवी की सिनेमेटोग्राफी पे कंप्लेन की थी, और सबसे बड़ी कंप्लेन जो निकल के आई थी वो ये कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसका जो बैकग्राउंड था वो हमेशा ब्लरी रहता था। शायद आपने गौर किया होगा आर्मी ऑफ डेड मूवी अगर आपने देखी होगी तो, यानी कैरेक्टर खड़ा है लेकिन उसके जस्ट पीछे जो कैरेक्टर खड़ा है उसका फेस हमको नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा ब्लरी रहेगा। पर्सनली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डायरेक्टर की विजन की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि ये सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं है। तो जो रिबेल मून का ट्रेलर है उसमें भी जैक स्नाइडर खुद सिनेमेटोग्राफर है, तो ये चीज़ हमको रिबेल मून के ट्रेलर में भी दिख रही है। और जो कुछ एक्सक्लूसिव पिक्स रिवील हुई हैं इस मूवी की, उसमें भी हमको सेम चीज़ दिख रही है कि एक कैरेक्टर है उसके पीछे ही जस्ट एक दूसरा कैरेक्टर खड़ा है, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है। ये जैक स्नाइडर की खुद की सिनेमेटोग्राफी चॉइस रही होगी। हालांकि मुझे आर्मी ऑफ डेड में भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे रेबेल मून के ट्रेलर में और एक्सक्लूसिव पिक्स में ये चीज़ जब दिखाई जा रही है मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ जब रेबेल मून रिलीज होगी तो आर्मी ऑफ डेड के लिए जो कंप्लेन की गई थी सिनेमेटोग्राफी की, ब्लरी है ब्लरी है, सेम कंप्लेन आपको इसके लिए भी देखने को मिलेगी। हालांकि एज अ फैन मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये मूवी एक स्ट्रीमिंग सक्सेस हो, क्योंकि जैक स्नाइडर चाहे वार्नर ब्रदर्स के साथ रहें चाहे किसी और स्टूडियो के साथ रहें, एज अ फैन मैं उनकी मूवीज़ को हमेशा सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी जैक स्नाइडर के फैंस से, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम जैक स्नाइडर के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब टाइम आ गया है आपको ये प्रूफ करके भी दिखाने का कि आप सच में जैक स्नाइडर के फैन हो। नेटफ्लिक्स पे जब ये मूवी रिलीज हो तो प्लीज़ इसकी पायरेसी मत करिएगा, नेटफ्लिक्स पे जाके ही इस मूवी को देखिएगा। और गाइज, हो सके तो स्टार्टिंग के 3 डेज के अंदर ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे जाके देख लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि गाइस जो नेटफ्लिक्स कंपनी है गाइस ये एक नंबर की पागल कंपनी है। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्रिटिकल रिव्यू कैसे आ रहे हैं या ऑडियंस रिव्यूज कैसे आ रहे हैं या ट्विटर पे इसके बारे में कैसी बात हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेटफ्लिक्स को इससे कोई मतलब नहीं है। नेटफ्लिक्स को केवल व्यूअरशिप चाहिए, अगर व्यूअरशिप अच्छी नहीं होगी तो वो उठा के कैंसिल कर देते हैं पूरी फ्रेंचाइज को। ये हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ देखा था। द सोसाइटी नाम की एक टीवी सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसको कैंसिल कर दिया। आर्काइव 81 जो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर्स थी, मज़ा आ गया था बिल्कुल देख के,
और ऑडियंस ने भी कहा कि बहुत अच्छी टीवी सीरीज ये बनाई है आपने, लेकिन नेटफ्लिक्स को व्यूअरशिप नंबर्स नहीं मिले, उठा के उन्होंने कैंसिल कर दिया। 1899 जो डार्क टीवी सीरीज वालों ने ही बनाया था, और इसका सीजन वन जो क्लिफ हैंगर पेंट हुआ था, लेकिन व्यूअरशिप नंबर्स नहीं मिले नेटफ्लिक्स को, तो नेटफ्लिक्स ने उठा के इसको कैंसिल कर दिया। तो ये नेटफ्लिक्स गाइज एक नंबर की पागल कंपनी है, व्यूअरशिप नहीं मिलेगी तो ये उठा के फ्रेंचाइज को कैंसिल कर देती है। इसलिए मैं यही फैंस से कहूंगा कि प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा इस मूवी को, और हो सके तो फर्स्ट 3 डेज में ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख लीजिएगा जब ये क्रिसमस वीकेंड में रिलीज की जाएगी, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर तो आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीक के जो व्यूअरशिप नंबर्स हैं उसको खास करके नेटफ्लिक्स देखता है कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, वरना नेटफ्लिक्स उठा के कैंसिल कर देगा गाइस, उस कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेलर तो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और इसको एज अ जस्टिस लीग टाइप की ही इसकी स्टोरी है कि छोटे छोटे जो कबीले या छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं वो एक साथ यूनाइट होते हैं एक ईविल किंगडम के अगेंस्ट। अच्छा गाइज, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रिबेल मून के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन भी करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल यही बात करना चाह रहा था कि क्या चीज़ मुझे बेस्ट लगी, जो बीजीएम थी, और विजुअल्स तो अच्छे हैं ही, और सपोर्ट ज़रूर करिएगा इस मूवी को स्ट्रीमिंग पे, व्यूअरशिप नंबर्स अच्छे आने चाहिए तभी ये फ्रेंचाइज आगे बढ़ेगी, वरना नेटफ्लिक्स गाइज उठा के कैंसिल कर देगा जैसा मैंने बताया है। और जो एक कंप्लेन आएगी इस मूवी के अगेंस्ट वो वही कंप्लेन आएगी जो आर्मी ऑफ डेड के अगेंस्ट आई थी कि सिनेमेटोग्राफी ब्लरी है ब्लरी है। इनफैक्ट आप ट्विटर या यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो यही कंप्लेन निकल के आने भी लगी है, लोग कह रहे हैं कि सेम सिनेमेटोग्राफी है जो आर्मी ऑफ डेड में की थी, बैकग्राउंड को ब्लर किया बैकग्राउंड को ब्लर किया। तो देखिए ये कंप्लेन्स तो आती ही रहेंगी, लेकिन देखना ये होगा जनरल ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आई थिंक इसके 2 कट्स रिलीज किए जाएंगे, एक जो थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली रहेगा यानी ज़्यादा गोर वॉयलेंस नहीं होगा, लेकिन एक जो आर रेटेड कट है जैक स्नाइडर का वो भी रिवील किया जाएगा, यानी दोनों शायद एक साथ रिलीज हों, तो हो सकता है मल्टीपल कट की वजह से व्यूअरशिप नंबर्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको रिबेल मून का ट्रेलर कैसा लगा, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।